नमस्कार दोस्तों, आपका मेरी चैनल लर्निंग टाइम में स्वागत है। तो मैं आज आपके लिए वीर बहादुर पूर्वांचल जो यूनिवर्सिटी उसकी लेटेस्ट अपडेट के साथ आते रहे। उपजिलाधिकारी ने मामले को कराया शांत, दो दिन का मांगा समय। पूर्वांचल विश्वविद्यालय के रिजल्ट तैयार करने में बड़े पैमाने पर हुई गड़बड़ी, जिसे आखिर शुक्रवार को यूनिवर्सिटी परिसर में तालाबंद कर हंगामा किया। सभी गेटों में तालाबंद कर परिसर में नारेबाजी की गई। देर शाम तक प्रशासन भवन में तालाबंदी कर हंगामा किया। तो आपको बता दूं, महाविद्यालय के दागी शिक्षक नहीं बनेंगे परीक्षक। तो दोस्तों, दो दिन का समय मांगा गया जिससे कि आप लोगों का रिजल्ट तैयार किया जाए। स्नातक व स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष के छात्रों को की बात कही गई थी, मतलब फर्स्ट ईयर के छात्रों को। प्रथम व द्वितीय वर्ष की परीक्षा में छात्रों को फेल कर दिया गया है। छात्रों के हंगामे के चलते विश्वविद्यालय के किसी भी शिक्षक व प्रोटोकॉल बोर्ड को छात्रों को समझाने की हिम्मत नहीं पड़ रही थी। भवन में फंसे काफ़ी कर्मचारियों ने जिला प्रशासन को अपने नंबरों से फ़ोन किया। मौके पर पहुंचे एडीएम ज्वाइंट मजिस्ट्रेट हिमांशु नागपाल ने विश्वविद्यालय के कुल सचिव समेत कई अधिकारियों से बातचीत कर छात्रों से दो दिन का समय मांगा, जिससे दो घर लौटे। दोस्तों, का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।